अनुपमा में चल रहा है और भी बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा। आप देखेंगे कि वनराज जो चाहता था ना वो फाइनली हो गया। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज ने पूरी तरह से पूरे परिवार में दरार डाल दी है। यहां पर आप देखेंगे मालविका और अनुज के बीच में वनराज की नाम की जो बड़ी दीवार खड़ी हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखेंगे मालविका यहां आती है और जब अनुज उसका भाई बहुत चिल्लाता है कि तुम वनराज के साथ बॉम्बे शिफ्ट नहीं होगी, वहां पे बिजनेस नहीं स्टैंड करोगी, मुंबई शिफ्ट नहीं होगी, तो इस बात में बहुत बुरा लगता है मालविका को। और मालविका आती है वनराज से अपना बिजनेस का जो डील था, जो पार्टनरशिप की डील थी, वो तोड़ने। यहां पर जैसे ही मालविका ऐसा रिएक्ट करती है कि वो तोड़ रही है, वनराज का असली चेहरा आ जाता है। यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे आज के एपिसोड में, जो मैं आपके बता दूं, वनराज यहां मालविका को चाइल्डिश कहता है, बदतमीज कहता है, डिसीजन ना लेने वाली कहता है, बिजनेस कभी ना चलाने वाली कहता है। और अचानक से फिर ऐसे होता है कि ये तो वनराज सोच रहा था कि वो ये जवाब देगा, वो यहां पे फिर से ड्रामा करता है। वहां मालविका है, वनराज है और अनुपमा है, यहां फिर से ड्रामा करता है और कहता है मालविका को, कोई बात नहीं मालविका, तुम अपने भाई को इतना प्यार करती हो, तुम्हारा सगा भाई नहीं है, फिर भी वो तुम्हें कितना प्यार करता है और तुम कितना उसके बारे में सोचती हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां फिर से वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहां पर अनुज पहुंचेगा और अनुज यहां पे कहेगा कि तुम बिजनेस चलाओ, बिजनेस करो, लेकिन अब तुम और मालविका साथ में काम नहीं करोगे। और यहां पर देखो मालविका से फिर से वनराज एक बड़ी बात कहता है कि तुमने अपने भाई के कहने पे ये पार्टनरशिप तो तोड़ दी। चलो ठीक है, तुमने अपने भाई की बात मानी, क्या तुम्हारे कहने पे तुम्हारा भाई यानी अनुज अनुपमा के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ सकता है? ये बहुत बड़ी आग लगाई है वनराज ने। और मालविका यहां पर यही काम करेगी, वो जाके अनुज से कहेगी कि भाई तुम्हारे कहने पे मैंने तो पार्टनरशिप तोड़ दी, क्या तुम मेरे लिए अनुपमा से अपनी पार्टनरशिप तोड़ सकते हो? अब देखना यह है कि अनुज यहां बहुत बड़ी कश्मकश में पड़ गया है, वो क्या डिसीजन लेता है। वैसे अनुपमा तो यही कहेगी कि आप ये पार्टनरशिप तोड़ लीजिए, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। क्या होता है शो में आगे? क्या वनराज अपनी नीतियों में कामयाब हो जाएगा? क्या होता है शो में आगे? सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।